The topic we are starting is chemical bonding. सबसे पहले इस टॉपिक में हमें यह समझना होगा कि जितने भी एलिमेंट्स नेचर में मिलते हैं ये हमेशा केमिकली कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं. तो व्हाट एग्जैक्टली इज द कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, केमिकल कॉम्बिनेशंस क्यों होते हैं, और यदि एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड होते हैं, कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं, तो किस तरह के फोर्सेस एटम्स को आपस में बाउंडेड रखते हैं. यहां से हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. सो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक chemical bonding with the concept cause of chemical combinations. cause of chemical combinations chemically combine होने वाले elements बहुत अच्छे से हम जानते हैं कि noble gases को छोड़कर बाकी सारे elements केमिकली कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं. नोबल गैसेस आर फाउंड इन द मोनो एटॉमिक फॉर्म. मोनो एटॉमिक फॉर्म का मतलब है कि ये इनके फ्री एटम्स के फॉर्म में एग्जिस्ट कर पाते हैं. बट अदर देन नोबल गैसेस बाकी सारे एलिमेंट्स एलिमेंटल स्टेट देखी जाए तो भी वो केमिकली कंबाइंड होते हैं. यदि अदर एलिमेंट्स के साथ में उनका कॉम्बिनेशन होता है तो नेचर में इस तरह के भी मिनरल्स ओर्स ये सभी प्रेजेंट होते हैं एज वी नो वेल. तो व्हाट एग्जैक्टली इज द डिफरेंस बिटवीन नोबल गैस एलिमेंट्स एंड द अदर एलिमेंट्स विच आर नोन, केमिकल कॉम्बिनेशन का कॉज क्या है. तो लॉजिकली इट्स वेरी सिंपल. यदि हम कहें कि कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इज स्टेबिलिटी, यदि एक एलिमेंट का एटम स्टेबल स्टेट में है तो इट विल नॉट अंडरगो एनी काइंड ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. लेकिन वो यदि अनस्टेबल स्टेट में है एटम तो इट विल हैव अ प्रॉपर्टी टू अंडरगो केमिकल कॉम्बिनेशंस. यदि एटम्स केमिकली कंबाइन हो रहे हैं, नोबल गैसेस केमिकली कंबाइन नहीं हो रहे हैं, तो स्टेबिलिटी का रिलेशन फिर कहां बनता है. सो नाउ वंस अगेन यदि हम स्टेबिलिटी को इन टर्न देखें तो यह एनर्जी से रिलेटेड होती है. एनर्जी और स्टेबिलिटी का बहुत सिंपल सा रिलेशनशिप है दैट वेन एवर फॉर अ पर्टिकुलर सिस्टम इफ एनर्जी इज लेस देन स्टेबिलिटी इज मोर. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दीज कंसेप्ट वी कैन से दैट द कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस इज रिलेटेड टू द एनर्जी एंड स्टेबिलिटी. नोबल गैसेस मोनो एटॉमिक फॉर्म में लोअर एनर्जी स्टेट में होते हैं और स्टेबल होते हैं. यहां पर एनर्जी और स्टेबिलिटी, इन दो पॉइंट्स को मैं मेंशन कर रहा हूं. नोबल गैसेस इन अ लो एनर्जी स्टेट होते हैं अपने मोनोएटॉमिक फॉर्म में, इसलिए इनकी ये स्टेट स्टेबल होती है. अदर देन नोबल गैसेस जितने भी नॉन एलिमेंट्स की हम बात कर रहे हैं ये केमिकली कंबाइंड स्टेट में होते हैं, क्योंकि बिफोर द केमिकल कॉम्बिनेशन यदि हम इनका सिर्फ एटॉमिक फॉर्म देखें, मोनो एटॉमिक फॉर्म देखते हैं, तो उसकी एनर्जी ज्यादा होती है. एनर्जी ज्यादा का मतलब है उसकी स्टेबिलिटी कम होती है. यदि वो केमिकली कंबाइन होते हैं तो केमिकल कॉम्बिनेशन उनकी एनर्जी को डिक्रीज करता है और इस तरह से उनकी स्टेबिलिटी को बढ़ाता है. तो वी कैन से कि हर सिस्टम अपने आप में एक स्टेबल स्टेट को अचीव करना चाहता है. एवरी सिस्टम वांट्स स्टेबिलिटी. यदि हर सिस्टम की रिक्वायरमेंट स्टेबिलिटी है, हर सिस्टम की रिक्वायरमेंट एक लो एनर्जी स्टेट है, तो उसे अचीव करने का क्या तरीका हुआ. एलिमेंट्स के रेफरेंस में बात करें तो यह तरीका होता है केमिकल कॉम्बिनेशंस. By the chemical combinations, when the atoms undergo chemical combinations, in the chemically combined state, their energy is less. In the chemically combined state,
their stability is greater. Now let us come once again to a concept given by Lewis concept. Lewis concept के हिसाब से noble gases को relate किया गया in terms of stability और other elements को उनके chemically combined state, chemical combination की capacity इनसे relate किया गया. Lewis concept को वैसे octet rule के terms में भी जाना जाता है. Lewis concept is actually related to octet rule, but later on Lewis concept even the molecules or the compounds जो octet rule follow नहीं भी करते हैं उनको भी include किया गया. So to start with, हम यदि बात करें कि what exactly is the Lewis concept, noble gases, इनको हम लेकर बात कर रहे हैं कि इनकी एनर्जी कम होती है इन द एटॉमिक स्टेट और इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है. द रीजन बीइंग इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन, हीलियम एक स्टेबल ड्यूप्लेट के साथ होता है और हीलियम को छोड़कर बाकी सारे नोबल गैसेस एक स्टेबल ऑक्टेट फॉर्म कर लेते हैं, मतलब आउटर मोस्ट शेल ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स होता है. द लुईस कंसेप्ट सेज कि जो 8 इलेक्ट्रॉन वाला आउटर मोस्ट शेल होता है, इट इज अ स्पेशल केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन जो एलिमेंट को उस पर्टिकुलर कॉन्फिग्रेशन के साथ में स्टेबल बनाता है. सो व्हाट एग्जैक्टली इज द लुईस कंसेप्ट? लुईस कंसेप्ट सिर्फ नोबल गैसेस के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन वाली बात को कोरिलेट करता है विद अ केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ द अदर एलिमेंट्स. अदर एलिमेंट्स जितने भी नोन है उनमें नोबल गैसेस की तरह कॉन्फिग्रेशन एक्वायर करने की प्रॉपर्टी होती है. मतलब यदि मैं लुईस कंसेप्ट को यहां पर मेंशन करूं तो लुईस कंसेप्ट एग्जैक्टली होता है एवरी एलिमेंट हैज a property to acquire the state of minimum energy, that is maximum stability, and therefore let's continue once again. Every element has a property to acquire the state of minimum energy, that is the maximum stability, and therefore it has a property to achieve the nearest noble gas configuration. हर एक एलिमेंट को स्टेबिलिटी चाहिए, एनर्जी कम करनी है, केमिकल कॉम्बिनेशन करने की कोशिश करेगा वो. जब वो केमिकली कंबाइन होगा तो चेंज किस चीज में आएगा? मेजरली उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन में. यदि वो अचीव करना चाहता है नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन, तो इसका मतलब है कि वो स्टेबिलिटी चाहता है. वो नियरेस्ट नोबल गैस जैसा कॉन्फिग्रेशन एक्वायर करके स्टेबिलिटी अटेंड करेगा. सो ऑन दैट बेसिस वी कैन से कि हीलियम को छोड़कर बाकी सारे नोबल गैसेस में आउटर मोस्ट शेल 8 इलेक्ट्रॉन वाला होता है, और इसीलिए आउटर मोस्ट शेल ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन के कारण हम ये भी बोल सकते हैं कि हर एलिमेंट की प्रॉपर्टी अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को रखने की होती है. एंड दैट इज व्हाई द लुईस कंसेप्ट इज ऑल्सो नोन एज ऑक्टेट रूल. लुईस कंसेप्ट इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ऑक्टेट रूल. ऑल्दो वी से कि जो हीलियम के नियरर एलिमेंट है, जैसे स्पेशली हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन की, तो उसकी
कंबाइनिंग कैपेसिटी बाकी एलिमेंट से डिफरेंट होगी, क्योंकि वो ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करेगा बल्कि वो ड्यूप्लेट रूल फॉलो करेगा। ड्यूप्लेट रूल का मतलब होगा कि वो टू इलेक्ट्रॉन्स वाली कॉन्फिगरेशन को, वाली कंडीशन को एक्वायर करने की कोशिश करेगा। सो दैट वे ऑल्दो हाइड्रोजन इज टेकन एज अ रेफरेंस एलिमेंट फॉर द कंबाइनिंग कैपेसिटी। नाउ कम्स वन मोर थिंग, यदि हमने बात की कि लुईस कंसेप्ट के हिसाब से एलिमेंट नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन एक्वायर करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, तो अब उनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या होती है, कैसे देखी जाती है? सो फॉर दैट हम बात करते हैं एक टर्म की, दैट इज कॉल्ड एज वैलेंसी। वैलेंसी ऑफ एनी एलिमेंट इज डिफाइंड एज द कंबाइनिंग capacity of element। chemical combination करने की capacity को ही element की valency कहा जाता है। now if valency is defined as the combining capacity of element, तो यहां पर एक problem वाले point है, एक दो points हैं जिन पर हमें focus करना चाहिए। chemical combination किसके साथ? यदि मैं एक एलिमेंट की बात कर रहा हूं कि उसकी एक कंबाइनिंग कैपेसिटी फिक्स्ड है, तो रेशियो इन विच द एटम्स कंबाइन विथ ईच अदर टू फॉर्म द मॉलिक्यूल्स और द रेशियो ऑफ द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड, ये डिपेंड करता है एलिमेंट्स के नेचर पर जो केमिकली कंबाइन हो रहे हैं। आई एम जस्ट सिंपली सेइंग कि यदि मैंने एक कंपाउंड की बात की सोडियम क्लोराइड की, तो उसमें सोडियम और क्लोरीन का जो एलिमेंटल रेशियो होता है वो 1:1 है। मैं कैल्शियम क्लोराइड की बात कर रहा हूं, तो कैल्शियम और क्लोरीन इनका एलिमेंटल रेशियो 1:2 है। सो द सेम एलिमेंट क्लोरीन इज देयर, बट व्हेन इट इज कंबाइनिंग विथ सोडियम द रेशियो इज डिफरेंट। सोडियम और क्लोरीन का रेशियो अलग है, कैल्शियम और क्लोरीन का रेशियो अलग है। तो इस तरह से कंबाइनिंग कैपेसिटी किसके साथ, वी शुड हैव सम स्टैंडर्ड्स, और उसके लिए हम यहां पर मेंशन करते हैं। मेंशन ये करते हैं कि नॉर्मली जो रेफरेंस लिया जाता है वो हाइड्रोजन लिया जाता है। किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी को एक जनरल तरीके से, एक एलिमेंट्री तरीके से बात किया जाए, तो उसको हाइड्रोजन से कंपेयर किया जाता है। तो हम यहां पर वैलेंसी का एक फॉर्मूला लिख रहे हैं, वैलेंसी विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। व्हेन वी टॉक अबाउट वैलेंसी विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, इसका मतलब कि यदि एलिमेंट जो कंबाइन होने वाला है किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के साथ, वो यदि हाइड्रोजन हो, तो वैलेंसी ऑफ वेरियस एलिमेंट्स क्या क्या होगा। द फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन बात कर रहे हैं हम, तो वैलेंसी इज आइदर इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और इट इज इक्वल टू 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। यूजुअली जब हम हाइड्रोजन के रेफरेंस में बात करते हैं, तो एलिमेंट्स की वैलेंसी फिक्स्ड होती हैं। हमने सुना हुआ है कि वेरिएबल वैलेंसीज वाले एलिमेंट्स भी होते हैं, तो वेरिएबल वैलेंसीज जनरली देखी जाती है विथ ऑक्सीजन, हैलोजन्स एक्सेट्रा। यानी किसी एलिमेंट को यदि आपने वेरिएबल वैलेंसी के साथ देखा है, तो वो हाइड्रोजन ना होकर ऑक्सीजन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, कोई और हैलोजन हो सकता है। तो कंबाइनिंग कैपेसिटी डिपेंड करती है कि किस एलिमेंट के साथ में आप कंबाइन कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग। यहां पर इसलिए बात कर रहे हैं हम वैलेंसी विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, तो ये जो पहला फॉर्मूला मैंने लिखा है, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर 1-4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जब एक एलिमेंट के पास 1 से लगाकर 4 तक वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन का नंबर है, तो उसकी वैलेंसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के नंबर के इक्वल होती है। बट जब हम बात करते हैं वैलेंसी 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल, तो यह होता है 4-8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के लिए। आई मीन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है
तो डायरेक्टली द वैलेंसी इज 4. एज वी टॉक अबाउट सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स, सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स को लेकर कंपेरिजन कर लेते हैं. लिथियम फॉर्म्स LiH. दैट मीन्स लिथियम कंबाइन्स विथ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन, इट्स वैलेंसी इज 1, इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 1. बेरिलियम हैज 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इट फॉर्म्स BeH2 कंपाउंड. BeH2 मतलब बेरिलियम ने 2 हाइड्रोजन के साथ कॉम्बिनेशन किया. सिमिलरली बोरॉन 3, कार्बन 4, नाइट्रोजन 3, क्योंकि नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं 5. सो द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ नाइट्रोजन इज 8-5 विथ हाइड्रोजन. दैट इज व्हाई द कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन विथ हाइड्रोजन इज अमोनिया, NH3. सिमिलरली ऑक्सीजन की बात करें, सेकेंड पीरियड चल रहा है तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन. वैलेंसीज कैसे चलेंगी? 1, 2, 3, 4. वी हैव रीच्ड अप टू कार्बन. नाइट्रोजन में आ गई फिर से 3, ऑक्सीजन 2, फ्लोरीन 1 एंड नियॉन इज 0, 0 वैलेंट एलिमेंट. 0 वैलेंट मतलब वही केमिकल कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा. वी प्रोसीड विथ वन मोर पॉइंट. यदि मैं वैलेंसी विथ रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन रखता हूं तो एक बात ध्यान में रखनी होगी हमें कि वैलेंसी विथ रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन फॉर मेनी एलिमेंट्स फिक्स्ड भी नहीं होती. एक और तरीके से भी आप इसको समझें, मैं रिपीट करता हूं, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है. यदि किसी और एलिमेंट की ऑक्सीजन के सामने वैलेंसी देखी जाएगी तो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में 1/2 वैलेंसी आनी चाहिए. कंपैरिजन कर रहा हूं मैं, जैसे मैंने कहा कि कार्बन की वैलेंसी हाइड्रोजन के रेफरेंस, हाइड्रोजन के साथ देख रहे हैं हम, तो हमने मेंशन किया 4 है. अब ऑक्सीजन क्योंकि डाइवेलेंट होता है हाइड्रोजन के साथ, जब उसकी वैलेंसी देखी जाती है तो वैलेंसी 2 होती है. तो यदि मैं कार्बन की वैलेंसी ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में देखता हूं तो इट इज 2. हाइड्रोजन के साथ यदि 4 है तो ऑक्सीजन के साथ में 2 होना चाहिए. ऑफ कोर्स है भी, CO2 एग्जिस्ट करता है, बट वी ऑल्सो नो दैट अ कंपाउंड CO इज ऑल्सो नोन. कार्बन मोनोऑक्साइड भी एग्जिस्ट करता है. तो इस तरह से स्पेशली जब हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं तो इनमें वेरिएबल वैलेंसीज होती हैं, स्पेशली ऑक्सीजन, हैलोजन्स, इनके साथ देखा जाए तो. हम बात करें फॉस्फोरस की, फॉस्फोरस विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन बात की जाए तो वैलेंसी क्या शो करेगा? 3. PH3 कंपाउंड एग्जिस्ट करता है, फॉस्फीन. लेकिन वहीं पर यदि हम फॉस्फोरस की क्लोरीन के साथ वैलेंसी देखने जाते हैं, क्लोरीन इधर हाइड्रोजन के साथ सिर्फ HCl बना रहा है, मतलब क्लोरीन की वैलेंसी भी क्या है? 1 है, यदि विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन देखा जा रहा है. अब मैं कॉम्बिनेशन देख रहा हूं किसका? फॉस्फोरस और क्लोरीन का. रिजल्ट क्या है? PCl3 भी नोन है, PCl5 भी नोन है. मतलब फॉस्फोरस की वैलेंसी क्लोरीन के साथ 3 भी होती है, 5 भी होती है. दिस इज द कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल वैलेंसी. तो वेरिएबल वैलेंसीज जो होती हैं वो अदर एलिमेंट्स के साथ में पॉसिबल हो सकती है. अदर मतलब अदर देन हाइड्रोजन में बात कर रहा हूं. और स्पेशली वेरिएबल वैलेंसी शो करने वाले एलिमेंट्स पी ब्लॉक के एलिमेंट्स तो होते ही हैं, नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स, मेटेलिक एलिमेंट्स जो पी ब्लॉक के मेंबर्स हैं. इसके अलावा डी एंड एफ ब्लॉक में भी वेरिएबल कंबाइनिंग कैपेसिटीज देखी जाती है. जैसे मैं बात करूं यदि किसी डी ब्लॉक एलिमेंट की, आयरन की बात करें, मैंगनीज की बात करें, क्रोमियम की बात करें, और इनका ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन देखा जाए तो दे फॉर्म लॉट ऑफ कंपाउंड्स. मैंगनीज की बात करें तो ये MnO बनाता है, Mn2O3 बनाता है, MnO2 बनाता है. देयर आर नंबर ऑफ कंपाउंड्स. वैलेंसी टर्म को इन अ बेटर मैनर समझा जाए तो ये इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर देखा जा सकता है. एक्चुअली ऑक्सीडेशन नंबर टर्म इज अ बेटर टर्म टू एक्सप्लेन द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट, जो आप रेडॉक्स रिएक्शंस के साथ में पढ़ते हैं. मैं उस टॉपिक को यहां इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, बस बट जस्ट आई एम टेलिंग यू कि वैलेंसी का प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस कुछ भी नहीं है.
प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस से बात है कि कहीं भी केमिकल कॉम्बिनेशंस का मैथमेटिकल कोरिलेशन निकालना हो हमें, सो वी नेवर रिक्वायर द टर्म वैलेंसी। वैलेंसी से कुछ काम केमिकल कैलकुलेशंस में नहीं हो सकता। केमिकल कैलकुलेशंस आर ऑल बेस्ड ऑन ऑक्सीडेशन नंबर्स। जब हम केमिकल कैलकुलेशंस की बात करेंगे तो टर्म ऑक्सीडेशन नंबर की टर्म्स में बेटर वे में एक्सप्लेन होती है, और उसमें भी फिर हम यदि आप रेडॉक्स रिएक्शंस पहले पढ़ चुके हैं तो मेरी बातों को ज्यादा अच्छे से आप समझ पाएंगे। इसमें एक हम वैलेंसी फैक्टर का भी मैटर लेते हैं कि जब एक केमिकल कॉम्बिनेशन दूसरे केमिकल कॉम्बिनेशन में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, मैं बात कर रहा हूं किसी केमिकल रिएक्शन की, जैसे मैंने कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन के साथ कंबाइन होकर कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेता है, सो इन दैट रिएक्शन वैलेंसी वेरी कर रही है, और जो वैलेंसी का वेरिएशन है इट इज बेटर एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ द वैलेंसी फैक्टर इन द रेडॉक्स रिएक्शंस। इसलिए हम वैलेंसी को लेकर अब इस लेवल पर ही टॉपिक को छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं और केमिकल कॉम्बिनेशंस के कॉज मेरे ख्याल से आपको एक एलिमेंट्री लेवल पर क्लियर है। अभी जस्ट मैंने एक एलिमेंट्री लेवल बताया है आपको कि व्हाट एग्जैक्टली इज द कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। आप सिर्फ कंक्लूजन के फॉर्म में ये याद रखिए कि एक एलिमेंट का एटम यदि मोर एनर्जी की स्टेट में होता है तो वो केमिकल कॉम्बिनेशन करेगा, दूसरा एटम भी एक मोर एनर्जी की स्टेट में है वो केमिकल कॉम्बिनेशन करेगा। ये दोनों जब आपस में ही यदि केमिकल कॉम्बिनेशन करेंगे तो देयर एनर्जी केमिकल कॉम्बिनेशन हुआ और एनर्जी कम हो गई, तो सिस्टम एक लो एनर्जी की स्टेट में जाता है केमिकल कॉम्बिनेशन के थ्रू। एज अ कंक्लूजन अब मैं डिफाइन कर रहा हूं कि व्हाट एग्जैक्टली इज द केमिकल बॉन्ड। जब हम बोलते हैं केमिकल बॉन्ड, एटम्स केमिकली कंबाइन हुए मतलब उनके बीच में बॉन्डिंग हुआ। व्हाट एग्जैक्टली इज द टर्म केमिकल बॉन्ड? बॉन्ड इज वेरी सिंपली डिफाइंड एज अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द एटम्स। जो बॉन्ड होता है ये सिंपली दो एटम्स के बीच का अट्रैक्टिव फोर्स होता है। केमिकल बॉन्ड की इसीलिए हम एक डेफिनेशन देंगे यहां पर, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन द टू एटम्स इन अ कंपाउंड। और मॉलिक्यूल, सो फ्रेंड्स इट इज सिंपली द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यदि हम बात करें वॉटर की, बहुत सिंपल से एग्जाम्पल्स लेकर मैं बात कर रहा हूं हमें, जिससे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएं। वॉटर की बात करें तो वॉटर का फॉर्मेशन क्यों हो रहा है, व्हाई हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दे आर फॉर्मिंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ वॉटर। हाइड्रोजन के एटम्स, मैं सिर्फ एटम की बात कर रहा हूं, नॉट इवन द एलिमेंटल स्टेट, मैं बात कर रहा हूं कि हाइड्रोजन का एटम लिया जाए उसकी एनर्जी ज्यादा है, ऑक्सीजन का एटम लिया जाए उसकी एनर्जी ज्यादा है, दे आर कंबाइनिंग टूगेदर इन द फॉर्म ऑफ वॉटर, उसकी एनर्जी उस पर्टिकुलर सिस्टम की अब बहुत कम हो गई। जब ये वॉटर के मॉलिक्यूल्स बहुत लो एनर्जी की स्टेट में है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में इनके एटम्स जिस फोर्स से बाउंडेड है दैट फोर्स इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इसी को बोला जाता है केमिकल बॉन्ड। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन द टू एटम्स इन अ कंपाउंड और मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्डिंग की जब बात होती है तो एक पॉइंट हमें बहुत क्लियर माइंड में रखना चाहिए, वो ये है कि केमिकल बॉन्डिंग एंड फिजिकल बॉन्डिंग कंपाउंड्स के रेफरेंस में या मॉलिक्यूल्स के रेफरेंस में या पार्टिकल्स के रेफरेंस में
इन दोनों टर्म्स को हमें माइंड में फ्रॉम द बिगिनिंग अलग अलग रखना है। अब एग्जैक्टली मैं क्या बोल रहा हूं कि फिजिकल फोर्सेस यानी क्या और केमिकल बॉन्ड्स मतलब क्या, इसमें क्या फर्क है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर हम बात करें कि यदि यहां पर एयर में डिफरेंट टाइप की गैसेस यदि प्रेजेंट है तो क्या होगा। वी कैन से यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है और अदर गैसेस भी हैं। यदि हम इस एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं यदि ऑक्सीजन गैस की, सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट ऑक्सीजन गैस, तो ऑक्सीजन गैस इज कंसिस्टिंग ऑफ द पार्टिकल्स कॉल्ड एज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उसमें दोनों एटम्स आपस में जिस फोर्स से बाउंडेड है, अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंसिस्ट्स ऑफ टू एटम्स, तो जो फोर्स दो एटम्स को बाउंडेड रखता है वो केमिकल बॉन्ड है। ऑन द अदर हैंड नाइट्रोजन की बात कर लें, वो भी डायटोमिक होता है, डायटोमिक मतलब द मॉलिक्यूल कंसिस्ट्स ऑफ टू एटम्स। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ हिट्रोन्यूक्लियर ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल, हिट्रोन्यूक्लियर, डिफरेंट न्यूक्लाई, उसमें एलिमेंट्स अलग हैं, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन एलिमेंट का कॉम्बिनेशन है, CO2। अब कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का एक एटम और ऑक्सीजन के दो एटम्स एक मॉलिक्यूल के अंदर जिस फोर्स से बॉन्डेड हैं, अट्रैक्टेड हैं, उस फोर्स को आप केमिकल बॉन्ड डिफाइन करते हैं। अब दूसरा एक पॉइंट मैं ये बोल रहा हूं जिसको हमें फ्रॉम द बिगिनिंग क्लियर करके चलना है, वो है फिजिकल फोर्सेस। यूजुअली स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड इन द फिजिकल फोर्सेस एंड द केमिकल फोर्सेस, तो इसीलिए मैं क्लैरिफाई कर रहा हूं यहां पर कि यदि हम फिजिकल फोर्सेस की बात करते हैं तो जैसे मैंने कहा कि यहां पर यदि एयर में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड टाइप की गैसेस हैं, तो यू जस्ट इमेजिन ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का दूसरा मॉलिक्यूल, या ऑक्सीजन के कुछ मॉलिक्यूल्स, कार्बन डाइऑक्साइड के कुछ मॉलिक्यूल्स, नाइट्रोजन के कुछ मॉलिक्यूल्स, इनके बीच में भी एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है। ऑल्दो इन गैसियस स्टेट इसके अदर एस्पेक्ट्स आप समझते हैं आइडियल एंड रियल गैसेस के फॉर्म में, सो वंस अगेन हमारा ट्रैक अलग है। हम सिर्फ इतना बताना चाहते हैं यहां पर कि यदि अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में वो एग्जिस्ट करने वाले फोर्स की हम बात करेंगे तो फिजिकल फोर्सेस में काउंट होते हैं। यानी ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल यदि कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल से अट्रैक्ट हो रहा है, या ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल दूसरे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से अट्रैक्ट हो रहा है, तो उसे आप फिजिकल फोर्स में काउंट करते हैं। इट इज नॉट अ केमिकल बॉन्ड विथ विच दे आर बॉन्डेड टूगेदर, इट इज सिंपली द फिजिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उसे बोला बॉन्ड ही जाएगा लेकिन उसे फिजिकल फोर्स के कंसेप्ट से आपको देखना होगा, इस तरीके से आपको रिलेट करना होगा। मैं आपको सिंपली एक एग्जाम्पल देता हूं, इससे शायद जो मैं बोलना चाहता हूं वो आपको बेटर वे में समझ में आएगा। मान लीजिए आप वाटर की बात कर रहे हैं या कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं, लेट अस टॉक अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की यदि हम बात कर रहे हैं तो कार्बन और ऑक्सीजन इनके बीच का यदि बॉन्ड ब्रेक होता है तो देयर विल बी द क्लीवेज ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, केमिकल बॉन्ड ब्रेक होते हैं, और यदि केमिकल बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो वहां पर केमिकल चेंजेस आएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड में यदि किसी टाइप का कोई केमिकल चेंज आया, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि इफ CO2 इज अलाउड टू रिएक्ट विथ कार्बन, हीटेड विथ कार्बन, देन वी गेट कार्बन मोनोऑक्साइड दिस वे। सो नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग, यदि एक कोई चेंज हो रहा है, मैंने कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन के साथ मिलाकर हीट कर दिया और कार्बन मोनोऑक्साइड एज अ प्रोडक्ट मुझे मिल रहा है, सो व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग, बॉन्ड्स आर ब्रोकन। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हुआ है, रिएक्शन में तो बॉन्ड बनते भी हैं, सो वी आर अगेन नॉट टॉकिंग अबाउट द एंटायर केमिकल रिएक्शन, बट सिंपली बॉन्ड क्लीवेज। यदि केमिकल बॉन्ड का क्लीवेज है तो केमिकल चेंज होगा। वहीं पर आप सिंपली बात करिए कि यदि वॉटर बॉइल हो रहा है, वॉटर की वेपर्स बन रही हैं, तो वॉटर की यदि वेपर्स बनती हैं या वेपर्स कंडेंस होकर वॉटर बना लेती हैं, तो इस प्रोसेस में क्या होगा,
इस प्रोसेस में केमिकल बॉन्ड्स ब्रेक नहीं होंगे, क्योंकि लिक्विड के फॉर्म में भी वो H2O ही है, उसका जो सिंपल यूनिट है वो H2O है, और वेपर स्टेट में भी उसके यूनिट्स H2O के ही फॉर्म में होते हैं. सो इट इज सिंपली अ फिजिकल चेंज. फिजिकल फोर्सेस ब्रेक होते हैं तो फिजिकल चेंजेस आते हैं, केमिकल फोर्सेस ब्रेक होते हैं तो केमिकल चेंजेस आते हैं. केमिकल फोर्सेस को ही मैं यहां पर केमिकल बॉन्ड्स डिफाइन कर रहा हूं. नाउ देयर इज वन मोर पॉइंट कि यदि हम केमिकल बॉन्ड की बात करें, केमिकल बॉन्ड सिंपली अट्रैक्शन है, एटम्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप कैसे होगा, एटम्स आपस में क्या करेंगे कि उनके बीच में बॉन्डिंग होती है. बेसिकली वी टॉक अबाउट द थ्री टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, थ्री टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग, एलिमेंट्स ऑफ टू टाइप्स, बॉन्डिंग ऑफ थ्री टाइप्स. कैसे समझिए, यदि एक मेटलिक एलिमेंट है और एक नॉन मेटलिक एलिमेंट है, यूजुअली मेटल और नॉन मेटल जब केमिकली कंबाइन होते हैं तो उनके बीच अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होने का जो क्राइटेरिया होता है ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू द अदर होता है, जिसे आप इलेक्ट्रोवेलेंट या आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं. वहीं पर यदि दो नॉन मेटलिक एटम्स आपस में केमिकली कंबाइन होते हैं, यदि एटम्स जैसे कोई मॉलिक्यूल बन रहा है नॉन मेटल का, तो उसमें अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होने का क्राइटेरिया होता है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द एटम्स. एटम्स के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स का म्यूचुअल शेयरिंग होता है उससे बनने वाले बॉन्ड को हम कोवेलेंट बॉन्ड डिफाइन करते हैं. अट्रैक्टिव फोर्स तीसरा तरीका जिसको आप केमिकल बॉन्ड की टर्म्स में देखते हैं, दैट इज मेटालिक बॉन्डिंग. यदि दो मेटल एटम्स आपस में केमिकली कंबाइंड हैं तो उनके बीच का अट्रैक्टिव फोर्स मेटालिक बॉन्ड होगा. और ये कैसे डेवलप होता है इसको हम सेपरेटली मेटालिक बॉन्डिंग वाले पार्ट में कवर अप करेंगे. देयर आई विल टेल यू कि किस तरह से एक मेटल का पूरा लिटाइस फॉर्मेशन होता है, किस तरह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप करने में रोल होता है. अभी टू स्टार्ट विथ हम दो टाइप्स पर अभी स्पेशल एम्फेसिस देने वाले हैं, आयोनिक बॉन्डिंग एंड कोवेलेंट बॉन्डिंग. सो व्हेनेवर बॉन्डिंग इन मेटल्स विल बी डिस्कस्ड, द थर्ड टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग विल ऑल्सो बी कवर्ड. तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं कि दो टाइप के एलिमेंट्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इनमें बॉन्डिंग के हम तीन टाइप्स पढ़ने वाले हैं जिसको आप केमिकल बॉन्ड्स में डिफाइन करते हैं. बॉन्डिंग के तीन टाइप्स में एक होगा आयोनिक बॉन्डिंग, एक होगा कोवेलेंट बॉन्डिंग और एक होगा मेटालिक बॉन्डिंग. सो विथ दैट हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोवेलेंट और आयोनिक बॉन्डिंग के साथ. आगे बढ़ाते हैं मैटर को.